गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। एक पूरे वीक के बाद आज हम मिल रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं घ के बाद के कुछ वर्ड। घ तक हमने सीखा, उसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी सीखी। अब हम सीख रहे हैं च, ठीक है। तो च कैसे लिखते हैं वो पहले जानते हैं। च लिखने के लिए पहले हम बनाएंगे एक उल्टा सी, थोड़ा आगे से उसको खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनाएंगे एक सर्कल। सर्कल बनने के बाद उसको यहाँ से नीचे खींचेंगे और फिर यहाँ पे ऊपर। तो ये ऐसे पूरा एक ऐसे कर्व जो हमने सीखे थे ना, वैसे यहाँ से ये जैसे दादाजी की छड़ी में हमने नीचे से कर्व लिया था, वैसे यहाँ पे ये कर्व लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक बनाएंगे दादाजी की छड़ी। तो ये क्या बन गया, च चकली नो च। चलो आपने यहाँ लिखी दिए च चकली नो च। च चकली ना च पछी आवे छे छ छत्री नो छ। अने छ छत्री ना छ लखवा माटे सो करवानो, या आपने ग लिखो तो याद छे तमने। हाँ, तो ये ग लखेलो ने एवी रीते आपने पहला અહીંયા આમ બનાવી દઈશું, પછી આને ઉપર ખેંચી લેવાનું ઉપર સુધી, ઓકે। ઉપર ખેંચ્યા પછી અહીંયા બનાવી દઈશું આપણે એક વિન્ડો, એટલે કે સર્કલ। શું બની ગયું, છ છત્રીનો છ। છ છત્રીના છ ને પણ આપણે અહીંયા લખી દે। છ છત્રીના છ પછી શું આવે છે, જ જમરૂખનો જ। તો જ જમરૂખનો જ છે ને લખવા માટે શું કરવાનું આપણે ખબર, પહેલાં એક ત્રાસી લાઈન બનાવવાની, ઓકે। એક ત્રાસી લાઈન સ્લાન્ટ લાઈન બનાવી હે, ઉસકે બાદ બનાએંગે એક દૂસરી સ્લાન્ટ લાઈન। જો આપકા મલ્ટીપ્લિકેશન કા સિમ્બોલ હોતા હૈ ના, વો સિમ્બોલ બનાના હૈ બડા સા। ઉસકે બાદ યે નીચે સે દોનો સિમ્બોલ કો હમ દોનો લાઈન્સ કો હમ જોડ દેતે હૈ, ઠીક હૈ। ઓર જો ઇસ સાઈડ પે હૈ, જો લેફ્ટ સાઈડ પે હૈ છડી, उसको हम यहाँ से जोड़ के एक सर्कल बना देंगे। तो ये क्या बन गया, ज जमरूख नो ज। चलो यहाँ पर लिखिए ज जमरूख नो ज। ज जमरूख नो ज पछी शू आवे छे, ज जबला नो ज। तो जो जबला ना ज लखवा माटे शू करवानो खबर छे, जे अहीं आपणे ऊंधो सी बनाव्यो हतो, जे गणपति बापा गणपति नो ग लखवा माटे आपणे जे यूज कर्यो हतो ने, એ આપણે અહીંયા એક મોટું બનાવીશું, ઠીક છે। પછી આપણે એની ઉપરથી એક બીજી પૂંછડી બનાવવાની, પૂંછડી બનાવીને પછી એના ઉપર એક લાકડી બનાવી દઈશું। તો શું બની ગયું, જ જબલાનો જ। જ જબલાનો જ, તો ચાર વર્ણ ક ખ ગ અને ગ, આ ચાર વર્ણ આપણે શીખ્યા હતા। હવે આપણે આજે શીખ્યા છે ચ ચકલીનો જ, છ છત્રીનો છ, જ જમરૂખનો જ અને જ જબલાનો જ। ફરીથી એકવાર રિપીટ કરીએ, ચ ચકલી કા ચ। ગુજરાતીમાં લખને કે લીએ સબસે પહેલે હમ બનાએંગે એક ઉલટા સી, ફિર ઉસકો આગે ખીંચ કે એક સર્કલ બનાએંગે। સર્કલ બનાને કે બાદ ઉસકો નીચે સે ખીંચેંગે ઓર ઉપર તક લેકે આએંગે, યે જો લેવલ હૈ વહાં તક લેકે આના હૈ। फिर हम बनाएंगे एक दादाजी की छड़ी। बन गया च चकली नो च। त्यार पछी आपणे बनाईशुं छ छत्री नो छ। तो छ छत्री नो छ बनावा माटे एक सी बनावानुं छे, त्यार पछी एने जोड़ीने एक बीजो सी, पण आ सी ने आपणे ऊपर सुधी खेंचीने लई जवानुं ऊपर तक। ये जो लेवल है यहाँ तक हमें उसको खींच के लेके जाना है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे एक बड़ा सा सर्कल। तो ये क्या बन जाएगा, छ छत्री नो छ। छ छत्री ना छ पछी आ जे जो जमरूख नो ज। उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बनाएंगे, ठीक है। फिर नीचे से उसको जोड़ देंगे, फिर यहाँ पे उसके लेफ्ट साइड पे हम बनाएंगे एक सर्कल। तो ये बन जाएगा जो जमरूख नो ज। અને જો જબલાનો જ લખવા માટે ફરીથી ઉલટો સી બનાવો, એની પૂંછડી બનાવો અને એક લાકડી બનાવો, તો બની જશે જ જબલાનો જ। એક ઉલટા સી બનાના હૈ, ઉસકી એક પૂંછ બનાની હૈ
और फिर बनानी है एक छड़ी। ठीक, तो च चकली नो छ, छ छतरी नो छ, ज जमरूक नो छ और ज जबला नो छ। आ चार वर्णों आपणे शीख्या। हवे आपणे शीखीशुं एना पछीना वर्णों। तो ज जबला ना ज पछी कयो वर्ण आवे? ट टपाली नो ट। तो ट टपाली नो ट लखवा माटे शुं करवानुं? पहेला सबसे पहले हमें बनाना है एक उल्टा सी। ठीक है, जैसे हमने च लिखने के लिए फिर छ लिखने के लिए उसको ऊपर से खींचा था। ठीक है, इस साइड से हमने ऐसे खींचा था, लेकिन च ट लिखने के लिए ये जो उल्टा सी बनाते हैं हम, उसको ऐसे नीचे से थोड़ा खींचना है। ठीक है, फिर यहाँ से हम उसको कर्व देंगे और जो हम सी लिखते हैं वैसे सी लिखेंगे। तो ये बन गया ट टपाली नो ट। ज के बाद क्या आता है? ट टपाली नो ट। सो ये वी हैव रिटन। तो टपाली का ट लिखने के लिए क्या करना है, फिर से बता रही हूँ मैं। पहले एक उल्टा सी लिखना है, लेकिन उसको थोड़ा नीचे से खींचना है। ठीक है, फिर उसको यहाँ से नीचे से कर्व ले लेना है, जो हम सी लिखते हैं वैसे। तो ये बन जाता है ट टपाली नो ट। ट टपाली नो ट पछी कयो वर्ण आवे? ठ ठड़िया नो ठ। तो जैसे कि आप इंग्लिश लेटर एस लिखते हो ना, वैसे एस लिखना है पहले। तो ठीक है, सो पहले हम लिखेंगे इंग्लिश लेटर एस। ठीक है, एस हम ऐसे लिखते हैं, बट थ लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे उसको ऊपर की तरफ कर्व नहीं करना, हम उसको थोड़ा रफ करेंगे और आगे से खींचेंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये बन जाता है ठ ठड़िया नो ठ। जो सीड कहते हैं ना हम, कोई भी फल खाते हैं और उसका सीड होता है, उसे गुजराती में ठड़ियो कहते हैं। तो ये बन जाता है ठ ठड़िया नो ठ। ठीक है, ठ ठड़िया नो ठ। एना पछी कोई वर्ण आवे? ड डगला नो ड। तो ड डगला ना ड लखवा माटे शुं करवानुं खबर छे? देट इज वेरी इजी, हमें सिर्फ एस लिखना है। जो हम एस लिखते हैं वही है ड डमरू नो ड, ड डब्बा नो ड। ठीक है, तो ये बन जाता है ड डमरू नो ड। त्यार पछी आवे छे ड ढगला नो ड। तो ड ढगला ना ड लखवा माटे शुं करवानुं? ड ढगला ना ड लखवा माटे आपणे ટ લખીશું, જેમ ઠ ઠડિયાના ઠ લખવા માટે ડ લખ્યો હતો, એવી રીતે ડ ઢગલાના ડ લખવા માટે આપણે ટ લખવાનું, પણ એને નીચેથી ખેંચવાનું અને પછી અહીંયા પોકેટ જે બન્યું ને એ પોકેટની આગળ એક ઝીરો બનાવી દેવાનું, સર્કલ બનાવી દેવાનું। તો શું બની જશે? ઢ ઢગલાનો ટ। જો અહીંયા હું લખું છું, ઠીક છે, તો ટ ટપાલી નો ટ, ઠ ઠડિયાનો ઠ, ડ ડમરૂ નો ડ અને ડ ઢગલાનો ડ। Student, is it is very complicated and you will get in confused in these four words, okay, four letters, okay? So I'm giving a trick. मैं आपको एक छोटी सी trick बता रही हूँ कि हम कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है S। जब हम S लिखते हैं तो वो है ड, ड डमरू नो ड। उसको opposite कर देते हैं, जो S लिखा उसका opposite कर देते हैं, वो है ट। ठीक है, एस है ड और एस का अपोजिट है ट, याद रखना है। ओके, एस है ट ड और एस का अपोजिट होगा ट। ठीक है, फिर दूसरा ठ और ड, ये कैसे याद रखेंगे? तो जो ड है, अगर हम ड लिखने के बाद नीचे सर्कल बनाते हैं तो वो, सॉरी, सर्कल बनाते हैं तो वो बनता है ठ। ओके, और ट लिखने के बाद अगर हम नीचे सर्कल बनाते हैं तो वो है ड, ये याद रखना है। एस लिखेंगे वो है ड, एस का ऑपोजिट करेंगे वो बन जाएगा ट। अगर ड लिख के पीछे नीचे सर्कल बनाया तो वो बनता है ठ, और ट लिखने के बाद सर्कल बनाते हैं वो है ड। ओके, याद रखना है। ये कितने लेटर्स आज हमें पढ़े हैं? 8 लेटर्स। चलो फिर से एक बार दोहराते हैं इसको। च छतरी नो च, छ छतरी नो छ, ज जमरूख नो ज, ज जबला नो ज, ट टपाली नो ट, ठ ठड़िया नो ठ, ड डमरू नो ड ने ड ढगला नो ड। इन चार लेटर्स में आपको अच्छे से ये जो चीज मैंने आपको समझाई है इनको याद रखना।
है, ठीक है। फिर से एक बार, एस यानी ड, एस का ऑपोजिट यानी ट, एस ड लिखने के बाद नीचे सर्कल बनाएंगे वो बनेगा ठ, और ट लिखने के बाद नीचे सर्कल बनाएंगे वो है ड। ओके, तो इन नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न एक्सरसाइज अबाउट दिस ऑल द लेटर्स क टू ड। ओके, टिल देन जय स्वामीनारायण।